हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सबको अभ्यास प्रश्न 2.1 का 38वां सवाल, जो कि है सिद्ध कीजिए पहला सवाल x की घाते 1/a-b ब्रेकट की पूरी घात 1/b-c इंटू ब्रेकट के अंदर एक्स की घाते 1/b-c का पूरा घात है 1/b-a इंटू ब्रेकट के अंदर है एक्स की घाते 1/c-a की पूरी घात है 1/c-b=1। चलिए सवाल को लगाते हैं। पहले हमको चिन्ह बदलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो है प्लस में है, सी माइनस में है, और यहाँ पर सी प्लस में है, ए माइनस में है। तो हम यहाँ पर सी को प्लस में करने के लिए माइनस एक से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो बदल जाएगा। तो जाएगा एक्स की घाते 1/a-b की पूरी घात है माइनस ए बराबर ए जो ए है ये हो जाएगा माइनस में, माइनस का ये प्लस में हो जाएगा सी, फिर इंटू अंडर रूट, फिर यहाँ पर बी जो है प्लस में है, सी माइनस में है, तो यहाँ पर सी प्लस में है, बी माइनस में है, तो इसमें भी माइनस एक से अंश और हर में गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो जाएगा एक्स की घाते माइनस 1/b+c, और इसमें भी बदलेगा, बी है जो माइनस में होगा, ए और प्लस में करेंगे तो इसमें भी गुणा माइनस का चिन्ह लगाएंगे, एक माइनस एक से गुणा करेंगे तो बदल जाएगा माइनस 1/b+a, फिर इंटू ब्रैकेट में एक्स की घाते 1/c-a, ये सही है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इतना सिर्फ बदलने का ज़रूरत था चिन्ह, तब सवाल लग पाएगा। 1/c-b=1, यही सिद्ध करना है। चलिए हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आपस में घातों का गुणा होता है, तो हो जाएगा एक्स की घाते इसका जब गुणा होगा हो जाएगा माइनस का 1/ में हो जाएगा a-b, एक कोष्टक में हो जाएगा a-b, फिर दूसरे कोष्टक में हो जाएगा सी जो है प्लस का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c-a, फिर इंटू का मतलब होता है गुणा, फिर एक्स की घाते इसमें जब गुणा होगा तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस, घातों में आपस का गुणा होगा तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, प्लस में हो जाएगा, और इसका जब गुणा होगा ये हो जाएगा c-b, एक कोष्ठक में दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा a-b, फिर इंटू का मतलब गुणा होता है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स की घाते जब इसका गुणा होगा एक में एक बार गुणा होता तो एक ही आता है, तो एक कोष्ठक में हो जाएगा c-a, दूसरे कोष्ठक में c-b=1, ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब आधार सेम है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, हमने बताया था, तो एक्स की घातें माइनस एक
एक कोष्टक में है ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में सी माइनस ए, फिर प्लस का चिन्ह, एक बटे एक कोष्टक में हो जाएगा सी माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, फिर प्लस का चिन्ह, फिर हो जाएगा एक बटे एक कोष्टक में सी माइनस ए, दूसरे कोष्टक में सी माइनस बी, इसके बराबर है एक। एक्स की घातों को जोड़ने के लिए एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स की घात, एलसीएम जब लेंगे ये हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पर भी है ए माइनस बी, तो एक कोष्टक में एलसीएम हो जाएगा ए माइनस बी, फिर दूसरे कोष्टक में एलसीएम जब लेंगे तो सी माइनस ए ले लेंगे, सी माइनस ए यहाँ पर है, तीसरा कोष्टक में सी माइनस बी, यही तीन एलसीएम आएगा। फिर अब हम ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में सी माइनस ए से इसमें भाग देंगे तो बचेगा, तब बचेगा हमारा सी माइनस बी, तो सी माइनस बी में जब माइनस एक गुड़े सी एक कोष्टक में सी माइनस बी, फिर प्लस जब सी माइनस बी और ए माइनस बी से भाग देंगे इसमें तीनों कोष्टक में, तो क्या बचेगा सी माइनस बी ए माइनस बी, तो बचेगा सी माइनस ए, सी माइनस ए, फिर प्लस का निशान एक गुड़े, जब हम सी माइनस ए और सी माइनस बी से इसमें भाग देंगे तो बचेगा ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर एक। तो एक्स की घातें जब माइनस से गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का सी प्लस का बी, बटे में है एक बार एक को एक कोष्टक के अंदर ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक के अंदर सी माइनस ए, तीसरे कोष्टक में सी माइनस बी, तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस जब एक से गुणा होगा तो आएगा सी माइनस ए प्लस, जब एक से गुणा होगा तो आएगा ए माइनस बी, ये जो सी माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये भी प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, इसके बराबर एक है। तो इसका मान एक्स की घात जो होगा जीरो होगा, जीरो बटे ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में सी माइनस ए, तीसरे कोष्टक में सी माइनस बी, जब जीरो में किसी से भाग देते हैं तो जीरो ही आता है, तो एक्स की घात जीरो हो जाएगा। हम जानते हैं जिसकी घात जीरो होता है उसका मान एक आता है, बस यही सिद्ध करना था कि ये सही आंसर है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर एक्स की घातें ए माइनस बी की पूरी घात ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स की घातें बी माइनस सी की पूरी घात है बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स की घातें सी माइनस ए की पूरी घात सी प्लस ए बराबर एक, तो हो जाएगा एक्स की घातें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वह आप लोग कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ से आया, तो एक सूत्र है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए सूत्र के अनुसार हमने लगाया है। अगर आप सबको नहीं विश्वास है तो हम दिखा दे रहे हैं एक बार लगा कर, ए माइनस बी फिर ए प्लस का बी, तो एक बार इसमें गुणा होगा एक बार इसमें, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर
माइनस ए बी, तो इसमें जब होगा माइनस ए बी प्लस नहीं माइनस बी का स्क्वायर, ये प्लस है बी बी प्लस है, ये प्लस में रहेगा, ये कट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो इसी प्रकार लगाए हैं हम, फिर एक्स की घात बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इंटू एक्स की घात सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर एक, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार सेम है तो जुड़ जाएंगी, तो एक्स की घातें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये प्लस ए का स्क्वायर है, ये माइनस ए का स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस का बी स्क्वायर है, ये माइनस का बी स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा, ये माइनस का सी स्क्वायर है, ये प्लस का सी स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा, उसके बराबर एक है, तो एक्स की घात जीरो आएगा। अब आप लोग जानते हैं कि जिसकी घात जीरो होता है उसका मान एक आता है, बराबर में एक, यही सिद्ध करना था कि इसका आंसर एक किया गया, इसलिए इसके बराबर में दिया रहता है। अगर हम इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यहाँ पर लिख कर बायां पक्ष लेने पर, ऐसे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, बराबर करके एक तब नहीं लिखते हैं। तीसरा सवाल, बड़ा ब्रेकट मझला ब्रेकट, इसके बाद है एक्स की घाते ए, एक कोष्ठक में है ए माइनस बी बटे एक्स की घाते ए, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, फिर मझला ब्रेकट, ये छोटा ब्रेकट है, भागे मझला ब्रेकट, एक्स की घाते बी ब्रेकट के अंदर बी माइनस ए, एक्स की घाते बी ब्रेकट के अंदर है बी प्लस ए, फिर मझला ब्रेकट, उसके बाद बड़ा ब्रेकट, इसकी पूरी घात है ए प्लस बी बराबर में है एक। हम लिखेंगे बाया पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष को पहले हल करेंगे, बड़ा ब्रेकट और मझला ब्रेकट, अगर हम इसको ऊपर कर लें तो इसकी घात जो है माइनस में हो जाएगी, तो हो जाएगा एक्स की घात ए ब्रेकट के अंदर ए माइनस बी, तो हो जाएगा गुणे का चिन्ह, ये हो जाएगा एक्स की घात माइनस ए इंटू में ए प्लस बी, फिर भाग का चिन्ह, तो हो जाएगा एक्स की घात है बी, एक ब्रेकट के अंदर है बी माइनस ए, फिर गुणे का चिन्ह, इसी प्रकार इसको भी ऊपर करेंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगा, एक्स की घात माइनस बी ब्रेकट के अंदर बी प्लस ए, मझला ब्रेकट बड़ा ब्रेकट, इसकी पूरी घात जो है ए प्लस बी जब एक्स की घात ए और ए में गुणा होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस का चिन्ह है, जब गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस हो जाएगा ए बी, फिर गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसके ब्रैकेट के अंदर इसको हल करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस रहेगा, प्लस माइनस में गुणा होता तो माइनस का चिन्ह ए बी, फिर भाग है तो भाग का चिन्ह ही लगा लेंगे, एक्स की घाते बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी, गुणा में घाते जोड़ते हैं इसलिए प्लस का चिन्ह, फिर एक ब्रेकट के अंदर माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए बी,
फिर गलती हो गई, यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर ब्रेकेट बंद, फिर मझला ब्रेकेट, उसके बाद बड़ा ब्रेकेट, ए प्लस बी, इसकी पूरी घात है, बड़ा ब्रेकेट मझला ब्रेकेट, उसके बाद ए एक्स की घात है ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस से जब खुलेगा ब्रेकेट तो माइनस का चिन्ह लगेगा, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, अगर माइनस से ब्रेकेट खुलता है तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, भाग का चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स की घात बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये माइनस में ये प्लस में बी स्क्वायर तो कट जाएगा, इसमें ए स्क्वायर प्लस में ये माइनस में ये भी कट जाएगा, फिर मझला ब्रेकेट, फिर बड़ा ब्रेकेट लगाने के बाद इसकी जो पूरी घात है ए प्लस बी है, जो हमारा बचेगा सिर्फ बचेगा एक्स की घात माइनस ए बी माइनस ए बी, नहीं माइनस ए बी मिला के हो जाएगा माइनस टू ए बी, फिर भाग एक्स की घात माइनस टू ए बी, इसकी पूरी घात ए प्लस बी है, फिर बराबर भाग का चिन्ह है तो भाग में घातें घटती हैं तो जाएगा माइनस टू ए बी, फिर माइनस ब्रेकेट के अंदर हो जाएगा माइनस टू ए बी, बड़ा ब्रेकेट लगेगा, इसकी पूरी घात ए प्लस बी है, हो जाएगा एक्स की घात माइनस टू ए बी, जब माइनस से ब्रेकेट खुलेगा तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में हो जाएगा टू ए बी, इसकी पूरी घात है ए प्लस बी, फिर बराबर माइनस में है टू ए बी और प्लस में टू ए बी कट जाएगा, एक्स की घात जीरो बचेगा, आप लोग जानते हैं घातों का आपस में गुणा होगा, जब एक्स की घात है जीरो उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी हो जाएगा, जब गुणा करेंगे किस जीरो में किसी भी संख्या से गुणा जब होता है तो जीरो ही आता है, तो जीरो जिसकी घात जीरो होता है उसका मान एक आता है, आप सब लोग जानते हैं, तो ये सिद्ध करना था, एक इसका आंसर भी एक है, तो ये यही सिद्ध करना था कि सवाल सही है, आंसर एक आया है कि नहीं। चौथा सवाल है ए की घात एक्स प्लस ए बटे ए की घात वाई प्लस ए, पूरी घात है एक्स प्लस वाई इंटू इंटू का मतलब गुणा ही होता है, बाद में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर ब्रेकेट के अंदर है ए की घात वाई प्लस दो, फिर बटे में है ए की घात जेड प्लस दो की पूरी घात है जो है वाई प्लस जेड इंटू ए की घाते जेड है प्लस तीन बटे में ए की घाते एक्स प्लस तीन की पूरी घात है जेड प्लस एक्स बराबर एक, तो हम लिखेंगे बाया बाया पक्ष एल एच एस ब्रैकेट के अंदर लेने पर, तो हो जाएगा घातों का आपस में गुणा होगा तो हो जाएगा ए की घात एक्स में एक्स से गुणा होगा, जो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई में गुणा होगा प्लस एक्स वाई, एक से किसी भी संख्या में गुणा होता तो वही आता है, तो प्लस एक्स प्लस वाई बटे में ए की घात एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, फिर एक से गुणा होगा तो ही आएगा प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इंटू ए की घात वाई स्क्वायर प्लस
फिर वाई से जेड में गुणा होगा, ये हो जाएगा वाई वाई जेड प्लस दो से वाई में गुणा होगा तो हो जाएगा दो वाई प्लस दो से जेड में गुणा होगा दो जेड हो जाएगा। ये जो लिखे हैं ये एक ही घाते हैं, फिर एक जेड का वाई में गुणा होगा तो हो जाएगा वाई जेड प्लस का निशान, फिर जेड से जेड में गुणा होगा जेड स्क्वायर प्लस दो से गुणा होगा वाई में तो दो वाई, जेड में गुणा होगा दो से तो दो जेड, फिर इंटू, फिर इसी प्रकार एक ही घाते जेड और जेड में गुणा होगा तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड और एक्स में गुणा होगा तो हो जाएगा जेड एक्स प्लस तीन से जेड में गुणा होगा तो हो जाएगा तीन जेड प्लस तीन एक्स में गुणा होगा तीन एक्स बटे में एक ही घाते एक्स से जेड में गुणा होगा तो हो जाएगा जेड एक्स प्लस जेड एक्स और एक्स में गुणा होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर तीन जेड में गुणा होगा तीन जेड, फिर तीन से एक्स में गुणा होगा तीन एक्स। हम देखते हैं ये बटे में है, अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस होने के बाद भी कट सकता है और बटे में है तो ऐसे भी काट सकते हैं, ये कट जाएगा ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, फिर इसमें दो जेड से कटेगा, दो वाई से कटेगा, वाई जेड से कट जाएगा, वाई वाई से कटेगा, एक्स से कटेगा, एक्स वाई से कट जाएगा, फिर ये जो इंटू का निशान इसको हम गुणा के निशान में लिखेंगे, जो जो बचा है ये हो जाएगा एक ही घाते एक्स स्क्वायर बटे में एक ही घाते वाई स्क्वायर, इंटू की जगह पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, एक ही घाते वाई स्क्वायर है बटे में एक ही घाते बचा है जेड स्क्वायर, एक ही घाते जेड स्क्वायर इंटू की जगह पे गुणा इसमें बचा है एक ही घाते जेड स्क्वायर बटे एक ही घाते इसमें बच गया है एक्स स्क्वायर। हम देखते हैं एक ही घाते एक्स स्क्वायर जो है इससे मिल रहा है, ये भी एक ही घाते एक्स स्क्वायर है तो कट जाएगा, ये भी एक ही घाते वाई स्क्वायर है तो ये भी एक ही घाते वाई स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा हमारा एक। किसी संख्या में उस संख्या से भाग देते हैं तो एक बच जाता है, तो एक गुड़े एक हो जाएगा, एक का तीन बार गुड़ा होगा एक ही आएगा, बस यही सिद्ध करना था।